केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और प्रधानमंत्री इमरान खान से न्योते की खबरों के सोशल मीडिया पर आने के बाद पंजाब कांग्रेस को भी बागी नेता नवजोत सिद्धू की याद आई है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर को शुरू करवाने का सारा क्रेडिट नवजोत सिद्धू को दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया जा रहा है जिसमें करतारपुर साहिब कॉरिडोर शुरू करवाने का हीरो नवजोत सिद्धू को बताया गया है। बता दें कि 3 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पंजाब कांग्रेस के किसी मंत्री या संतरी ने नवजोत सिद्धू का जिक्र तक नहीं किया है। दोस्तों, आज हम पंजाब कांग्रेस के इस बदले हुए सुरताल का विश्लेषण करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नवजोत सिद्धू के बारे में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। कांग्रेस के बागी नेता नवजोत सिद्धू के आरएसएस नेताओं से मुलाकात की बात काफी समय से पंजाब के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर नवजोत सिद्धू की अमित शाह से मुलाकात की खबर ने पंजाब की राजनीति के जानकारों को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया की खबर में सुखबीर बादल के नवजोत सिद्धू से मिलकर गिले शिकवे दूर करने का दावा भी किया गया है। पंजाब भाजपा या नवजोत सिद्धू द्वारा अभी तक सोशल मीडिया की इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। अकाली दल ने नवजोत सिद्धू को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को अफवाह बताया है, लेकिन नवजोत सिद्धू के भाजपा में वापस जाने की अटकलों के चलते पंजाब कांग्रेस का रुख तब्दील हुआ है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा है कि करतारपुर साहब कॉरिडोर खुलवाने में सबसे बड़ा योगदान नवजोत सिद्धू का है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। सुनील जाखड़ गुरुवार को चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस भवन में श्रीमती इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। पंजाब मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद यह पहला मौका था जब कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने नवजोत सिद्धू का नाम लिया है। इससे पहले डेरा बाबा नानक में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से नवजोत सिद्धू के बारे में पूछा तो वे टाल गए। आइए अब जरा पंजाब कांग्रेस की बेचैनी की असल वजह समझने की कोशिश करते हैं। 3 महीने से नवजोत सिद्धू चुपचाप अपने घर में बैठे हैं। इसके बावजूद नवजोत सिद्धू को लेकर चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस ने करतारपुर जाने वाले पहले जत्थे में शामिल न करके नवजोत सिद्धू के महत्व को कम करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के न्योते ने नवजोत सिद्धू की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। नवजोत कौर सिद्धू के कांग्रेस छोड़ने की घोषणा और नवजोत सिंह सिद्धू के अमित शाह से मुलाकात से मिलने की अफवाहें भी पंजाब कांग्रेस को परेशान कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर केंद्र सरकार और पंजाब सरकार द्वारा अलग अलग मंच लगाए जा रहे हैं। नवजोत सिद्धू को अपनी स्टेज पर लाकर पंजाब कांग्रेस करतारपुर कॉरिडोर शुरू करवाने का सारा क्रेडिट अपनी झोली में डाल लेना चाहती है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।